हेलो स्टूडेंट, लल्ले क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत यूनिट नंबर 1 में विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम लोग ने पहले ही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है वो पढ़ लिया था। आज हम लोग विलोपन यानी कि एक प्रकार से निकलने वाली अभिक्रिया पढ़ेंगे, जिसमें कोई अभिकारक से क्या होगा, कुछ अणु क्या हो जाएगा, कुछ समूह या फिर कुछ परमाणु क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, इसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसको सबसे पहले समझाने से पहले आपको इसका अंग्रेजी नाम बता देता हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको बोला जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, अब एलिमिनेशन रिएक्शन जिसको हम लोग निरूपित करेंगे ई से, कि जैसे नाभिक स्नेही को ई एसिन से निर्मित करते हैं, इसको ई से निर्मित करेंगे, क्योंकि इसका स्पेलिंग ई से स्टार्ट होता है। ठीक है, हम लोगों को जो पढ़ना है वो तीन प्रकार का सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों को तीन प्रकार का नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया विलोपन अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं तीन। ठीक है, तो पहला जो विलोपन अभिक्रिया है, ठीक है, इसका नाम है E1 अभिक्रिया, E1। फिर दूसरा जो पढ़ेंगे वो है E2 अभिक्रिया, और तीसरा जो पढ़ेंगे वो E3 है, E3 बोलता हूँ, E3 नहीं होता है, E1CB होता है, E1CB। ठीक है, E1CB क्या होता है सब समझाऊंगा आपको, पहले E1, E2, E3 को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, E1 अभिक्रिया को पढ़ने वाले हैं। तो पहले नंबर पर आपको समझाने वाला हूँ मैं E1 अभिक्रिया। ठीक है, E1 अभिक्रिया। ठीक है, अब E1 अभिक्रिया जो है आप इसको रिलेट कीजिएगा SN1 अभिक्रिया से। ठीक है, ओके, इसमें जैसे SN1 अभिक्रिया में दो पदों में संपन्न होती है, वैसे ये भी अभिक्रिया क्या होती है, दो पदों में संपन्न होती है। ठीक है, SN1 अभिक्रिया में ध्रुवीय प्रोटीक विलायक की आवश्यकता होती है, इसमें भी ध्रुवीय प्रोटीक विलायक आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, SN1 अभिक्रिया में हम लोग क्या करते थे, दुर्बल क्षार की या फिर दुर्बल एक प्रकार से दुर्बल नाभिक स्नेही की जरूरत पड़ता था, इसमें आपको दुर्बल क्षार की आवश्यकता पड़ने वाली है, ये भी आपको याद रखने का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कैसे कैसे प्रोसेस होता है उसको समझाता हूँ। दो पदों में संपन्न होती है, पहले पद में मैं एग्जांपल लेता हूँ, पहले पद में पद नंबर 1। ठीक है, मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ इस प्रकार से एल्की हैलाइड। ठीक है, इस प्रकार से मैं एल्की हैलाइड लेने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लेता हूँ CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक यह हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो कि हाइड्रोजन के साथ कार्बन जो जुड़ा है उसके साथ दो कार्बन जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको आप बोलोगे 2 डिग्री एल्की हैलाइड। ये 2 डिग्री एल्की हैलाइड है मेरे पास, 2 डिग्री एल्की हैलाइड जो कि हम लोग अभिकारक के रूप में चुनाव कर रहे हैं, ये अपना अभिकारक है। ठीक है, ये आपको एग्जांपल में याद रखना है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें आपको एक पोजीशन को ध्यान रखना पड़ता है, पोजीशन यानी स्थिति को, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का जस्ट कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, और उसके साथ बाकी जो जस्ट लगे हुए जो कार्बन है उसको बीटा कार्बन बोलते हैं, ये वाला कार्बन को बीटा कार्बन बोलेंगे, अल्फा कार्बन के जस्ट आगे वाले पीछे वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, यानी जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं, ये गामा कार्बन है। गामा कार्बन की जरूरत नहीं पड़ने वाली, जो भी रिएक्शन होने वाला है वो अल्फा बीटा पर होने वाला है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले पद में, ये पद नंबर 1 है, सबसे पहले पद में अल्फा स्थिति से, अल्फा स्थिति से क्या हो जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है चूंकि आंशिक ऋणावेश होता है, ये आंशिक धनावेश है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको जानते हैं कि हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, ज़्यादा होती है कार्बन से, इसलिए हाइड्रोजन जो है वो अधिक ताप पर, अधिक ताप की आवश्यकता होती है, अधिक ताप पर तथा बोल सकते हैं ध्रुवीय प्रोटिक विलायक और दुर्बल क्षार। तो इनकी उपस्थिति में क्या होता है, अधिक ताप का मतलब ये हुआ कि 50 डिग्री सेल्सियस से आपको अधिक ताप चाहिए रहता है, 50 डिग्री सेल्सियस से आपको अधिक ताप की आवश्यकता होती है। ठीक है, इससे अधिक ताप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन बाहर होता है पहले पद में, ये बात करना है। हाइड्रोजन का विलोपन पहले होता है, यहाँ पे बताता हूँ क्या होता है, हाइड्रोजन का विलोपन होता है। मैं यहाँ पे देता हूँ पहले से ही कि हाइड्रोजन जो है वो एक्स माइनस के फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और आपके पास जो बन के निकल के आएगी वो कार्बोकैटायन बन के आने वाली है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से सी क्या बच जाएगा अपने पास, CH3, और ये हाइड्रोजन तो बाहर निकल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कार्बोकैटायन बनने वाला है। ठीक है, जैसे कि SN1 में बनता था। ठीक है, तो यहाँ पे CH और CH3। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, हाँ, अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि ये जो कार्बोकैटायन बना है ना, कार्बोकैटायन जो कि अस्थाई होता है, कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन है जो कि मध्यवर्ती हम लोग इसको बोलते हैं,
है ना, मध्यवर्ती है, जो कि बहुत ही अस्थायी होती है, इससे फिर उत्पाद बनना बहुत आसानी से हो जाता है। अगले पद में क्या होगा, अच्छा एक चीज़ और बात है, इसमें जो कार्बोकेटायन है कितना डिग्री है इसको भी पहचानो, तो एक जिस कार्बन प्लस है उसके साथ दो कार्बन जुड़े हुए हैं, यानी दो डिग्री कार्बोकेटायन है, ठीक है, दो डिग्री। अगर ये तीन डिग्री कार्बोकेटायन होता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता, वो अभिक्रिया और भी जल्दी संपन्न हो जाती है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि जो कार्बोकेटायन है इसको शिफ्टिंग करके भी चेक करना रहता है कि क्या ये कार्बोकेटायन तीन डिग्री कार्बोकेटायन बना सकता है, क्या दो डिग्री से तीन डिग्री बना सकते हैं। तो अगर मैं इस प्लस को यहाँ पे इमेजिन करता हूँ, जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे प्लस जो है यहाँ पे आया हुआ है, तो यहाँ पे अगर प्लस इस प्लस को यहाँ पे मानोगे इसके अंदर डायरेक्ट एक ही कार्बन जुड़ा होगा, है ना। यहाँ पे अगर गौर किया जाए तो ये वाला कार्बन अगर यहाँ पे प्लस यहाँ पे आ गया तो इसके साथ एक ही कार्बन जुड़ा रहेगा, इसका मतलब वन डिग्री रहेगा, कोई फायदा नहीं है। इसको अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, ठीक, ऐसे भी करके शिफ्टिंग करके मैं यहाँ पे कर दूँ तो फिर दो डिग्री ही रहेगा, कोई फायदा नहीं है, दो डिग्री तो है ऑलरेडी। अगर इस प्लस को मैं यहाँ पे लेके आ जाऊँ कैसे करके तो यहाँ पे फिर वन डिग्री बन जाएगा, इसलिए कोई मतलब नहीं है, यानी यही दो डिग्री कार्बोकेटायन यहाँ पे क्या है, सूटेबल है, ठीक है। अब क्या होगा पद नंबर टू में, पद नंबर टू में ये होगा कि ये जो आपने कार्बोकेटायन बनाया है दो डिग्री, यहाँ पे क्या होगा, अब बीटा स्थिति पे, अल्फा स्थिति आपने काम कर दिया, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, अब जो बीटा स्थिति पर जो हाइड्रोजन है, इधर भी बीटा स्थिति, यहाँ पे बीटा स्थिति, दोनों ही समान स्थिति है, इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी एक पोजीशन को पकड़ लेता हूँ, ठीक है। और इस प्रकार से आपके पास यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे क्या होंगे, इस हाइड्रोजन का जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा सॉरी बीटा हाइड्रोजन है, इस बीटा हाइड्रोजन का क्या होता है, विलोपन यहाँ से होता है, ठीक है। और ये जो सिग्मा बंध है वो इधर पाई बंध का निर्माण होती है, इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाता है प्लस वाले को, कार्बोकेटायन को इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, और इस प्रकार से इसका इस यौगिक का निर्माण इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन पे प्लस था वो हट चुका है, डबल बना चुका है, और यहाँ पे कार्बन पे हाइड्रोजन, यहाँ पे और यहाँ पे CH3। इस प्रकार से आपने देखा कि एल्किन का निर्माण हो जाता है और हाइड्रोजन भी क्या हो जाता है, यहाँ पे विलोपित हो जाता है। इसको पकड़ने के लिए दुर्बल क्षार की आवश्यकता होती है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। H+ जो है वो दुर्बल क्षार के द्वारा निकलता है, ठीक है। इस प्रकार से आपने देखा उत्पाद का निर्माण हो गया है और उत्पाद में आपको मिला हुआ है एल्किन, एल्किन मिला हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो एल्किन का निर्माण होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब आपको ये देखना है कि इसमें कौन सी अभिक्रिया जो है वो क्या है, स्लो होती है, कौन ही तेज होती है। तो कार्बोकेटायन का निर्माण जो है बहुत ही धीमा पद में होता है, तो ये धीमा होता है, धीमा अभिक्रिया होता है। और यहाँ पे ये जो कार्बोकेटायन बनने का उत्पाद का निर्माण बहुत ही जल्दी हो जाता है, इसलिए आपको सत्य है कि ये जो अभिक्रिया हुई ये वाला ये क्या है, तेज है, ठीक है। अब इसमें देखना ये रहता है कि धीमा पद में एक ही अभिकारक के अणु भाग ले रहे हैं जो कि दो डिग्री एल्किल हैलाइड है, इसलिए इस अभिक्रिया की जो गोटी आने वाली है वो एक आने वाली है, ठीक है। तो मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा आप लोगों को अगले पेज में, लेकिन आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे एक धीमा पद में एक अणु भाग ले रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको हिंदी नाम नहीं बता पाया था, इसको बोलते हैं एकाणुक विलोपन अभिक्रिया, इसको हम बोलते हैं एकाणुक विलोपन अभिक्रिया कहते हैं, विलोपन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये हम लोग इसको नाम इसलिए देते हैं क्योंकि यहाँ पे धीमे पद में एक अणु भाग ले रहा था, धीमे पद को पकड़ करके हम लोग उसकी अणु संख्यता या फिर उसकी अभिक्रिया कोटि की गणना करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको अगले पद में लेके जाता हूँ, अगले पेज में, और इस पेज में हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया की दर। ये जो आपके पास आपने ईवन अभिक्रिया पढ़ा, तो ईवन अभिक्रिया के लिए दर निकालनी है, दर निकालने का टेक्निक मैंने बता दिया था, धीमा पद को पकड़ना रहता है, उसके लिए यहाँ पे दर स्थिरांक लेना पड़ता है। धीमा पद में आपके पास एल्किल हैलाइड है, दो डिग्री एल्किल हैलाइड है, वो अकेला है, इसका मतलब यहाँ पे अभिक्रिया की जो कोटि निकल के आने वाली है, वो आने वाली है एक, ठीक है। तो इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, ईवन अभिक्रिया या फिर एकाणुक विलोपन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब मैं इसके लिए ऊर्जा स्तर चित्र ही बना देता हूँ फटाफट, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने आपको ऐसे मैंने बताया था वैसे ही बने गए हैं, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन बस अभिकारक बस चेंज है। यहाँ पे अभिकारक आपने लिया था सर इस प्रकार से, तो यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे इस तरफ CH3 था, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ था, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ था, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। ये है अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, विजुअल हो रहा होगा, ठीक है। अब क्या होगा, पहले हम लोग क्या करते हैं भैया, इसी ऊर्जा जो कि इस तरफ लिया जाता है, इसी ऊर्जा को है ना, उसको थोड़ा सा इसी ऊर्जा या फिर इसी ऊर्जा को थोड़ा सक्रिय ऊर्जा के फॉर्म में देनी पड़ती है, और इधर होता है अपना अभिक्रिया की दर, ठीक है। तो होता क्या है कि हम लोग इसको पहले अभिक्रिया इसको थोड़ी सी इसी ऊर्जा या फिर सक्रिय ऊर्जा प्रदान करते हैं इस प्रकार से, और धीरे धीरे हाइड्रोजन क्या होता है यहाँ से निकलता है, धीरे धीरे हाइड्रोजन क्या होगा निकलेगा, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इधर अपने पास CH3 है ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे CH3 है, ठीक है। धीरे धीरे हाइड्रोजन निकल जाएगा, है ना, और उसके बाद क्या होगा भैया, हाइड्रोजन निकलने के बाद कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, यानी निर्माण होगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा,
यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे क्या है CH3 है। इस प्रकार से कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, हाइड्रोजन क्या हो जाता है इस पद में बाहर हो जाता है। अरे पहले पद का काम हो गया है, अब क्या होता है इस कार्बोकैटायन में हाइड्रोजन को इधर देना पड़ेगा, धीरे धीरे क्या होगा इधर बंद बनेगा ये, ठीक है। तो इसको ऐसा दिखाना पड़ता है कि फिर ऊर्जा चलेगी यहाँ पे, इससे थोड़ा सा नीचे बनाना रहता है इसको, ठीक है, इस प्रकार से नीचे बनाना रहता है। और यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे धीरे धीरे डबल बंद का फॉर्मेशन होना चालू हो जाएगा और धीरे धीरे हाइड्रोजन जो है वो क्या होगा बाहर होगा, यहाँ का बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन क्या होता है बाहर होता है, ठीक है। और यहाँ पे CH3 और एक टाइम पे क्या हो जाएगा, ये बाहर हो चुका रहेगा H+ के फॉर्म में और यहाँ पे डबल बंद बन जाएगा, तो इससे उत्पाद का निर्माण हो जाता है। तो क्या बनने वाला है अपने पास, CH और यहाँ पे CH3 डबल बंद यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे पहले से ही हाइड्रोजन था और ये CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है H+ के फॉर्म में बन गई है, यहाँ से H+ यहाँ पे हेलोजन, तो यहाँ पे आखिर में बोल सकते हो कि H+ क्या होने वाला है, बनने वाला है H+ और हेलोजन, ठीक है। उसमें भी समझ लेना कि H+ बना होगा, हेलोजन अम्ल बोलते हैं इसको, ठीक है। इस प्रकार से आपने देखा उत्पाद का निर्माण हो गया है जो कि क्या था, एल्किन था, ठीक है, एल्किन। और आपने देखा होगा कि बीच में कार्बोकैटायन का निर्माण हुआ विद 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और अपने पास क्या है ये अभिकारक है, अभिकारक है। तो इस प्रकार से अभिकारक से क्या होता है पहले मध्यवर्ती बनता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, उसके बाद क्या होता है धीरे धीरे बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलता है जिससे H+ के फॉर्म में निकल जाने के बाद उत्पाद का निर्माण होता है। तो आपने इसे क्या समझा, इसे समझा कि ये जो अभिक्रिया होती है 2 पद में होती है, पहले पद में क्या होता है अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है और उसके बाद क्या होता है भैया हाइड्रोजन बाहर निकलने के बाद कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को देखना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है, उसके हिसाब से हम लोग इस प्लस को इधर उधर करेंगे, यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे कार्बोकैटायन जो बन गया है उसमें क्या करते हैं भैया, उसमें दूसरे बीटा पोजीशन से हम लोग हाइड्रोजन को विलोपित कर देते हैं दुर्बल क्षार के माध्यम से जिसे एल्किन का निर्माण होता है और फिर यहां से हैलोजन बचा है, हाइड्रोजन बचा है और यहां पे हैलोजन बाहर हुआ था वो H+ करके क्या हो जाता है बाहर हो जाता है। इस प्रकार से आपका अभिक्रिया संपन्न होती है। इस अभिक्रिया कोटि एक आती है इसलिए इसको एकाणु विलोपन अभिक्रिया कहते हैं और ये इसकी क्या होती है इसको बोलते हैं हम ऊर्जा स्तर चित्र, ऊर्जा स्तर चित्र कहा जाता है। ये जो मैंने आपको चित्र बनाया है यहां पे यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक ये क्या होता है ऊर्जा स्तर चित्र होता है, ठीक है। ऐसे करके आपको बनाने रहेंगे, ठीक है। यह अभिक्रिया जो होती है आपको दिखाई दिया होगा ध्रुवीय प्रोटिक विलायक जैसे जल की उपस्थिति में अल्कोहल की उपस्थिति में होता है, धीमा पद होता है ये वाला पद, ठीक है। और अधिक ताप में भी ये अभिक्रिया संपन्न होती है ऐसा बोला जाता है, दुर्बल क्षार की आवश्यकता होती है। इतनी बात आपको याद रखना है ईवन अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। तो आज हम लोगों ने ईवन अभिक्रिया को बहुत ही अच्छे से देखा। आपको मैं एक जाते जाते एक छोटा सा नोट पॉइंट देना चाहता हूँ कि यहाँ पे बीटा स्थिति 2 था, यहाँ पे बीटा स्थिति था, ये बीटा स्थिति था, तो इन दोनों से ही क्या हो सकता है भैया, यहाँ पे दोनों से ही अल्फा सॉरी बीटा हाइड्रोजन निकल सकता था। तो मैं इस दोनों कंडीशन को समझा देता हूँ अलग से, ठीक है। देखो हम लोग के पास जो था इस प्रकार से, ठीक है, अपने पास यौगिक था और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा था, इस प्रकार से यहाँ पे हाइड्रोजन था, इस जगह पे भी हाइड्रोजन जुड़ा था, 2 हाइड्रोजन इस तरह क्या था CH3 था, ठीक है। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा हाइड्रोजन है, ये बीटा हाइड्रोजन है, वैसे ये भी बीटा कार्बन है तो ये बीटा हाइड्रोजन हो गया, ये बीटा हाइड्रोजन हो गया, ये बीटा हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो मैं इसको B1 मान लो, इसको B मैं ऐसे मानने के लिए मान लेता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या किया है β2 कार्बन ले लेता हूँ, इसको β1 कार्बन ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि 2 बीटा है ना इसलिए मैं ऐसा ले रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार मैंने क्या किया इस जगह से पहले पद में, देखो मैंने क्या किया, मैं एक बार मैं करके बताता हूँ। देखो अगर मैं सबसे पहले हेलोजन को बाहर निकाल दूँ तो कार्बोकैटायन तो बन जाएगा यहाँ पे, है ना, कार्बोकैटायन तो क्या हो जाएगा बन जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बना के कहता हूँ कार्बोकैटायन यहाँ पे बन जाएगा, मैं बाकी जैसे तैसा लिखता हूँ, ठीक है। देखो लिखता ऐसे हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन से निकलने के बाद कार्बन कैटायन बन गया है 2 डिग्री और इस प्रकार से अपने पास क्या हो गया सर, इस प्रकार से अपने पास CH3 इस प्रकार से अणु बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे 2 ऑप्शन ही आएंगे, पहला पद कम्प्लीट कर लिया ना हम लोग, पहला पद कम्प्लीट कर, 2 ऑप्शन ही आएगा कि एक बार हम लोग इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दें, जब इस बीटा हाइड्रोजन से कार्बन इसका बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दें, इसको मैं β1 मार रहा हूँ, इसको β2 मार रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं इस β1 से है पहले क्या करता हूँ निकालता हूँ, तो β1 से हाइड्रोजन अगर निकाला जाएगा तो ऐसे करके निकाला जाएगा तो क्या उत्पाद बनेगा H+ फॉर्म में निकल जाएगा। तो इस प्रकार से अपने पास उत्पाद जो बनेगा इस प्रकार से डबल बन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है CH3 है, तो इस प्रकार से आपका एल्किन बनेगा। अगर मैं इस जगह से क्या करता हूँ कोई भी हाइड्रोजन को निकाल देता हूँ, कोई भी एक हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल दो, इसे π1 बना दो, ठीक है। तो H+ की फॉर्म में जो निकला, इधर से भी H+ की फॉर्म में निकले कर रहा है, इधर से H+ की फॉर्म में निकल रहा है बीटा जगह से, ये β2 से निकल रहा है, ये β1 से निकल रहा है, ठीक है। और ये पहले पद में हेलोजन बाहर होता है वो आपको पता होना चाहिए, हेलोजन बाहर किया मैंने अल्फा पोजीशन से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से बाहर कर दूँ तो यहाँ पे बच जाएगा अपने पास हाइड्रोजन, यहाँ पे बच जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बंद आ गया
और यहाँ पे अपने पास हाइड्रोजन यहाँ पे बचा हुआ है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे CH3। ऐसा देखा जाए तो दो उत्पाद बनने का चांस है, दोनों ही एल्किन, ये भी एल्किन है, ये भी एल्किन है, ठीक है। अब ये एल्किन का नाम अलग होगा, ये एल्किन का नाम अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग करा जाए तो 1, 2, 3, 4, यहाँ से नंबरिंग करा तो 1, 2, 3, 4, इसका नाम होगा ब्यूटीन, ये ब्यूटीन है, ब्यूट वन इन, और ये बनेगा ब्यूट टू इन, क्योंकि दो जगह पे डबल बन रहा है, ठीक है, तो ब्यूट टू इन है, ठीक है। अब इसमें ये देखना रहता है कि ये दो उत्पाद तो बनेंगे, दो उत्पाद बनने के चांस है, दोनों उत्पाद जाहिर सी बात है बनेगा, अब दो उत्पाद बनने के चांस थे तो इसमें पकड़ना है कि कौन सा उत्पाद जो है मुख्य उत्पाद है, कौन जो उत्पाद है सह उत्पाद है। तो दो साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम है हॉफमैन और टर्जेफ। हॉफमैन नाम के वैज्ञानिक ये बताता है कि जिस एल्किन पर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, अब अल्फा हाइड्रोजन कैसे पता होंगे, ये एल्किन वाला कार्बन को छोड़ दो, है ना, एल्किन वाले कार्बन को छोड़ दो, इसके रिस्पेक्ट में देखो जस्ट कार्बन, ये वाला कार्बन क्या है अल्फा कार्बन हो जाएगा, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीन अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे तीन अल्फा हाइड्रोजन है, देख लो यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे छह अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, छह अल्फा हाइड्रोजन है। अब इसमें देखते हैं कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे एल्किन को छोड़ दो, ये वाले को पूरा छोड़ दो, तो यहाँ पे जस्ट एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन है, दो अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे छह अल्फा हाइड्रोजन थे, ठीक है। तो ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं हॉफमैन उत्पाद, हॉफमैन उत्पाद, और एक और कम अल्फा हाइड्रोजन वाले को बोलते हैं सेरजेब उत्पाद, सेरजेब, सेरजेब उत्पाद, ठीक है। और एक बात तो आपको याद रहना चाहिए कि जो एल्किन होते हैं, एल्किन उसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो उतने ज्यादा स्थायी होते हैं, तो ये ज्यादा स्थायी है, ठीक है, ये ज्यादा स्थायी है, ज्यादा इसका स्थायित्व तो क्या है, थोड़ा सा कम है इसकी तुलना में, किसकी तुलना में, इस एल्किन की तुलना में, तो इसका स्थायित्व तो क्या है, कम है। इसका स्थायित्व तो कम होता है उसको हम लोग बोलते हैं सहउत्पाद, यानी कि ज़्यादा नहीं बना होगा, मान लो 20% बना होगा, ठीक है। और ये है भैया अपना मुख्य उत्पाद जो ज़्यादा मात्रा में बनेगा, क्योंकि ज़्यादा स्थायी वाला चीज़ है तो ज़्यादा मात्रा में बनेगा, ठीक है, जो कि कितना बनता है 80% बनता है, ठीक है, इस प्रकार से आप बोल सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे मैंने आपको बताया कि भैया यहाँ पे कौन मुख्य उत्पाद बनता है, कौन सह उत्पाद बनता है, कौन ज़्यादा स्थायी होता है, कौन कम स्थायी होता है। ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन जो है वो हॉफमैन उत्पाद होगा, वो ज़्यादा स्थायी होगा, है ना, उसकी बनने की चांस जो है ज़्यादा होगा, ज़्यादा प्रतिशत से बनेगा, ज़्यादा मात्राएँ बनेगा। और जो कम अल्फा हाइड्रोजन वाले होते हैं वो है वो सेरजेब उत्पाद कराते हैं, कम स्थायी होते हैं इसकी तुलना में, और उसको सह उत्पाद जो कि कम मात्रा में बनता है ऐसे बोलते हैं। तो ये भी चांस होती है, इसको भी आपको याद रखना है, जितने चांस होंगे, दो चांस जनरली बनते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, एक में अल्फा हाइड्रोजन कम होता है, इससे एल्किन का निर्माण होता है। ये आपको नोट नंबर वन याद रखना है, ये नोट नंबर फर्स्ट हो गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नोट नंबर टू, दूसरा नोट पॉइंट, ठीक है, नोट करते जाना। नोट नंबर टू, नोट नंबर टू मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। एग्जांपल है कि मैंने यहाँ पे लिया एक ऐसा ये जिसमें यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा काम करते हैं, यहाँ पे CH3 लेता हूँ, यहाँ पे CH3, ठीक है, ये है मेरे पास, ठीक है। तो ये मेरे पास एक कंपाउंड है, एक यौगिक है, जिसमें मेरे को क्या करना है, इवन अभिक्रिया करानी है, ठीक है। तो जो इवन अभिक्रिया कराते हैं, सबसे पहले पद में क्या होता है, पद नंबर फर्स्ट में क्या होता है कि सबसे पहले अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन बाहर हो जाता है, ये अल्फा पोजीशन हाइड्रोजन जिसमें जुड़ा होता है अल्फा पोजीशन, इसके आगे वाला क्या होता है बीटा पोजीशन। तो अल्फा पोजीशन से क्या हो जाएगा, पहले हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन को बाहर कर दो यहाँ से ऐसे, तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा, बाकी को जैसे कहते ऐसा ले देता हूँ, CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, बीटा वाला हाइड्रोजन है ये, ठीक है। यहाँ पे कार्बन पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन कैटायन का निर्माण हो गया, ठीक है। और ये जो आपको कार्बन कैटायन दिखाई दे रहा होगा, ये 1 डिग्री कार्बन कैटायन है, ठीक है। कैसे जाना, इस कार्बन कैटायन के साथ जस्ट एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री कार्बन कैटायन है, ठीक है। अब हम लोग ये सोचेंगे यहाँ पे कि 1 डिग्री कार्बन कैटायन को क्या 2 डिग्री कार्बन कैटायन बना सकते हैं, और अगर 2 डिग्री बनते हैं तो क्या उसको 3 डिग्री बना सकते हैं, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन कैटायन ज़्यादा स्थायी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस कार्बन कैटायन को यहाँ पे ला के देखते हैं। अब लाएंगे कैसे, तो हम लोग लाते हैं, अगर मैं यहाँ पे ला के एक बार सोचता हूँ तो ये 2 डिग्री कार्बन कैटायन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस आएगा तो इसके रिस्पेक्ट में दो कार्बन जस्ट जुड़े हुए हैं, 2 डिग्री कार्बन कैटायन। तो पहले ये काम करना है, तो इसको इसको कार्बन कैटायन बनाने का तरीका होता है कि इस बंद को कोई भी यहाँ से या फिर यहाँ से, ठीक है, इसमें से कोई भी एक हाइड्रोजन से आप क्या कर दोगे, इस प्रकार से इस कार्बन को हाइड्रोजन दे दोगे H माइनस के फॉर्म में, ये H माइनस के फॉर्म में आप इसको दे रहे हो, और कार्बन जो है थोड़ा सा क्या होने वाला है, आंशिक प्लस बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही पूरा दे दोगे तो पूरा प्लस बन जाएगा, ठीक है, यानी कुछ ऐसा हुआ होगा, यहाँ पे हुआ ये होगा, इसको बोलते हैं हम लोग, इसका एक नाम भी है, इसको बोलते हैं H माइनस विस्थापन, यानी कि H माइनस मतलब हाइड्राइड विस्थापन इसको कहा जाता है,
हाइड्राइड विस्थापन होता है, ठीक है। हाइड्राइड विस्थापन के फलस्वरूप जो है यहाँ पे कार्बोकेटायन का पोजीशन चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, अब कार्बोकेटायन यहाँ पे आ गया और इस प्रकार से हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया है, तो इस प्रकार से तीन हाइड्रोजन बन गया। इसका हाइड्रोजन यहाँ पे निकल के यहाँ पे आ गया, तीन हाइड्रोजन हो गया। तो देखो ये जो कार्बोकेटायन है वो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ठीक है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ठीक है। तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन 1 डिग्री की तुलना में ज़्यादा स्थाई होता है, इसलिए वो ज़्यादा स्थाई है। लेकिन अब एक बार और सोचेंगे, क्या ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन को 3 डिग्री बना सकते हैं? अगर मैं इस कार्बोकेटायन को प्लस को यहाँ पे ला दूँ तो इसे प्लस आएगा, तो सोचो कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 3 कार्बन आ जाएंगे, ना 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन सकता है। यानी यहाँ पे भी एक शिफ्टिंग पॉसिबल है, या इतना शिफ्टिंग डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके जस्ट उसके आगे पीछे वाले हाइड्रोजन को निकालना पड़ता है, हाइड्राइड को विस्थापित करना रहता है, इसलिए मैं यहाँ पे करूँगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस हाइड्रोजन को जो कि यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन दिख रहा है, तो मेरे पास एक ऑप्शन है, इसको क्या करता हूँ मैं जस्ट इस कार्बन को देता हूँ, ठीक है, हाइड्राइड के रूप में। एक और हाइड्राइड शिफ्टिंग हो रहा है, हाइड्राइड विस्थापन और हो रहा है, H- का विस्थापन करा देते हो आप ये वाले कार्बोकेटायन में, तो यहाँ से प्लस हो जाएगा। तो ये जो बनने वाला है वो कुछ इस प्रकार का बनने वाला है, CH3 है, ये CH3 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन तो हट गया है, तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बन चुका है। यहाँ पे आपके पास एकल बंध, और ये कार्बन के पास इस जगह पे क्या हो गया है, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे, और इस प्रकार से आपके पास 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाता है। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज़्यादा मोस्ट स्टेबल होता है, इसलिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन का प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया, यानी ये भी ध्यान रखना था। अब उसके बाद आप क्या करो भैया, इसके आसपास से आपको अल्फा हाइड्रोजन को क्या कर देना है, बीटा हाइड्रोजन को आपको निकाल देना है। तो यहाँ पे इसके आसपास के हाइड्रोजन को निकाल दो, बीटा ही है ना, तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ से निकालता हूँ तो मेरे पास क्या बनेंगे, उसमें अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे, तो मैं दिमाग लगाता हूँ यहाँ से निकालोगे तो अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा निकलेंगे। हम लोग बनाते हैं हाफ मैन उत्पाद, इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्या करूँगा, इस बंद को शिफ्टिंग कर दूंगा, H प्लस की फॉर्म में निकल जाएगा, इस प्रकार से H प्लस की फॉर्म में निकल जाएगा और यहाँ पे डबल बंद आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके पास CH3 है, इधर CH3 है, और यहाँ पे डबल बंद आ जाएंगे, और C एक हाइड्रोजन निकल चुका है, तो ये हाइड्रोजन को बचा दिया, और बाकी 3 हाइड्रोजन यहाँ पे ऑलरेडी थे। और इस हाइड्रोजन में आपको देख लेना, ये देखिए अपने पास एल्कीन हो गया, और यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक और 2 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे और दिखाई दे रहे हैं, टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है, और यही अपना हाफमैन उत्पाद होगा। मैंने स्टेरजेब उत्पाद को नहीं बताया, यहाँ पे केवल हाफमैन उत्पाद पे फोकस करेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन स्टेरजेब उत्पाद ही बनता है, अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के यहाँ से हाइड्रोजन या फिर यहाँ से हाइड्रोजन निकालते तो उससे आपको स्टेरजेब उत्पाद मिलता है, उसमें अल्फा हाइड्रोजन पक्का कम होता है, ठीक है। मैं आपको वो चुना हूँ जिसमें हाफमैन उत्पाद बनने के चांस थे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा बनते हैं, 80% बनते हैं, और यही क्या होती है, इसकी स्थायी संरचना होती है, ठीक है, स्थायी उत्पाद होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, एल्कीन का निर्माण होता है। यानी इस पॉइंट में मैंने ये समझाया कि किस प्रकार से हाइड्राइड विस्थापन करना पड़ता है कार्बोकेटायन के स्थायित्व को बढ़ाने के लिए। 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज़्यादा ही सही होता है, इसलिए आप ज़्यादा कोशिश करोगे 3 डिग्री कार्बोकेटायन तक बनाना। अगर वो नहीं बन रहा है तो 2 डिग्री तक ही रोक दो, या फिर 1 डिग्री तक ही रोक दो, अगर 1 डिग्री से 2 डिग्री नहीं बन रहा है तो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको दो नोट पॉइंट आपको याद रखना है। इस प्रकार से विलोपन अभिक्रिया हम लोगों ने कंप्लीट समाप्त कर दिया है, तो अगले वीडियो में E2 अभिक्रिया को कंप्लीट करेंगे। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, धन्यवाद।